हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और मैंने अपने पर्स में रख लिए हैं 100 रुपए। हेलो, गुड मॉर्निंग। और अभी मैं जा रही हूँ यहीं पास में थोड़ी सी सब्जी लेने, क्योंकि मैं बनाऊंगी आज छोला कुलचा एकदम मार्केट वाला। तो उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत है जो मेरे पास नहीं है, जैसे चुकंदर है, खीरा है, हरी मिर्च है, हरी मिर्च तो है, धनिया वगैरह हरा, तो ये सब लेके आना है मुझे। उसके बाद हम बनाएंगे आज जबरदस्त छोला कुलचा। तो चलिए मैं ले आऊं फटाफट से, क्योंकि सुबह का टाइम है, सुबह सुबह सारी चीजें एकदम ताजी ताजी मिल जाएंगी। उसके बाद आके मैं करूंगी तैयारी। आ गया सारा सामान, यही बस नहीं था, बाकी सारी चीजें हैं मेरे पास। तो बस जैसे फ्री होके मैं जा ही रही थी तैयारी करने, तब तक आ गए हमारे सिलेंडर वाले भैया, क्योंकि रात में 11 बजे मैंने नंबर लगाया था और सुबह हमारा सिलेंडर आ गया है, क्योंकि रात में मुझे अचानक से याद आया था कि मैं नंबर लगा दूं। तो बस यहाँ पर सिलेंडर आ गया है और सिलेंडर का दाम हो गया है 950 लिए हैं उन्होंने। और चलिए चलते हैं, अब तैयारी करते हैं आगे की। और सारी सब्जियां वगैरह जो मैं लेके आई थी वो मैंने धो के रख ली हैं। और यहाँ पर धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन और थोड़ा सा अदरक, अभी नहीं काटा है, थोड़ा सा अदरक भी डालूंगी। तो ये मैं पीस के रखूंगी उसके लिए, छोले में डालने के लिए। और यहाँ पर हमने चने और मटर, थोड़े से मैंने ये सूखे वाले मटर और थोड़े से चने रात में गला दिए थे, वो गलाने वाली क्लिप इसमें नहीं आई है, तो रात में गलाए थे, सुबह अच्छे से गल गए हैं। इसमें मैंने डाला है थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सोडा, खाने वाला जो होता है मीठा सोडा, ये सब डाल के और पानी डाल के इसको 4 सीटी लगाने तक उबलने के लिए रख देंगे। और जब तक ये छोला ना एकदम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं, एकदम अलग खुशबू आती है। हम सोचते हैं ना ये छोला कुलचा वाले कैसे छोला बनाते हैं, तो वैसे ही बनाने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले कुलचे का आटा लगा के रख देंगे, क्योंकि इसको सेट होने में टाइम चाहिए। तो मैंने 2 छोटी कटोरी लिया है मैदा, उसमें डाला है थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, दोनों डालें थोड़े थोड़े से, आधी आधी चम्मच। और उसके बाद ये है घर का दही, तो इसमें डाल दूंगी मैं लगभग 4-5 चम्मच दही, क्योंकि दही से ये बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनेंगे, एकदम ब्रेड जैसे फूले थे मेरे कुलचे, बहुत अच्छे लग रहे थे सबको खाने में। और बस इसी दही से इस आटे को लगाना है। और दही से लगाने के बाद, अभी ये सूखा है थोड़ा सा, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी मिला के और अच्छे से इसको गूंथ लेंगे। और उसके बाद इसमें लगाएंगे हल्का सा ऑयल लास्ट में, और ऑयल लगा के और अच्छे से इसको गूंथेंगे, खूब अच्छे से गूंथ के चिकना करके इसको लगभग आधे घंटे के लिए ऐसे ढक के रख देंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी सेविंग ऐप के बारे में बताने जा रही हूँ। बहुत सारे लोग इसको पहले से जानते होंगे और यूज करते होंगे, क्योंकि हम जो भी खरीदारी करते हैं उनके हमें बिल मिलते हैं, लेकिन वो यूजलेस पड़े रहते हैं, क्या आपको पता है? उन बिल का यूज करके हम अगली खरीदारी में डिस्काउंट ले सकते हैं। तो मैजिक पिन एक बहुत ही अच्छा सेविंग ऐप है, जिसमें कि 40-60% आप डिस्काउंट ले सकते हैं अपनी खरीदारी में। जो भी हम खरीदारी करते हैं उनके जो हमें बिल मिलते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन या ट्रांजेक्शन के जो SMS होते हैं, उनका यूज करके हम मैजिक पिन ऐप में मैजिक पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। उससे हमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। 1 magic point = 1 rupees के बराबर होता है। कोई भी चीज हो, या फूड आइटम्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर ब्यूटी एंड फैशन की चीजें, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि हमें मैजिक पॉइंट ऐप में डिस्काउंट देते हैं। तो मैजिक पिन ऐप का यूज करके कोई भी खरीदारी में आप 40-60% डिस्काउंट ले सकते हैं। और मैजिक पिन के जो भी न्यू कस्टमर होंगे, मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे, तो कोई भी फूड आइटम मंगवाते हैं उसमें आपको 90% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फिर देरी किस बात की है, अभी डाउनलोड कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मैजिक पिन ऐप को, और वहां से जाके आप अपने खरीदारी में अच्छा खासा डिस्काउंट लीजिए। और आगे हम इस छोले में डालने के लिए छोला मसाला बनाएंगे घर में, तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये बड़ी चम्मच भर के मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है। और इसमें डालेंगे अब थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, ये काली मिर्च मैंने कूट ली है, तो ये थोड़ी सी इतनी डाल दी है। और इतना ही डाला है मैंने इसमें जीरा पाउडर, जीरा भून के और पीस के रखा था, और उसके बाद डाला है इसमें काला नमक। इन तीनों को अच्छे से मिला देंगे, तो ये बन गया हमारा एक छोला मसाला। तो इसको हम अभी एक साइड रख देंगे। और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कटोरी में मैंने इमली गलाई है, धो के गला दी थी, और उसको डाल दिया है गर्म पानी में, क्योंकि इसमें इमली का पानी भी डलेगा। और ये छोले भी अच्छे से हमारे पक गए हैं, तो इनको मैंने बाउल में निकाल दिया है पानी से, और जो छोला मसाला बनाया था वो ऊपर से डाल दिया है, और थोड़ी सी डाल दी है लाल मिर्च। और उसके बाद में हम क्या करेंगे,
थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और नमक भी थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है। और इस इमली को भी छान के पूरा निकाल दिया है और निकालने के बाद में इसमें जितना जारा था वो अलग कर दिया है। और उसके बाद ये जितनी हरी चीज़ें हमने तोड़ के रखी थी ना उसमें इमली का पानी डाल के उसको अच्छे से पीस लेंगे, जैसे गोलगप्पे का चटपटा खट्टा पानी बनता है ना वैसे ही पानी बन जाएगा। बस इसमें अभी नमक नहीं है। तो बस ये सारा मैंने धो के इसी इमली में मिला दिया है और ये देखिए कितना अच्छा ये पानी बना है, बहुत ही टेस्टी पानी बन गया है। और ये जब छोले में जाएगा तो छोला बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो हमने ये छोला बना के रखा था ना इसमें हम डाल देंगे, ये पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा कम डाला है मैंने, ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, थोड़ा सा बचा लिया है। तो जो छोले वाला पानी था वो मैंने इसमें मिला दिया और इमली वाला पानी मिला दिया, उसके बाद थोड़ा सा इसको मैश कर दिया है। और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मैंने टमाटर प्याज हरी मिर्च काट के ऐसे ही डाल दिया था सूखा, और ऊपर से इसमें डाला है लगभग एक चम्मच तेल। और बस इनको अच्छे से मतलब फ्राई कर लेना, ज़्यादा नहीं पकाना है। धनिया भी डाली है मैंने और उसके बाद डाल दिया है ये पूरा छोला, और उसके बाद इसको अच्छे से पकाएंगे बॉयल आने। और एक बात मैं बता दूं, मैं बार बार छोला छोला बोल रही हूँ लेकिन आप लोग कहेंगे इसमें छोला कहाँ है, इसमें तो काले चने हैं और मटर है। लेकिन काले चने की जगह आप छोला भी ले सकते हैं जो सफ़ेद वाला होता है, और मटर की जगह आप काला चना ले सकते हैं, यानी सफ़ेद चना और काला चना, छोला और काला चना मिक्स करके ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये दोनों रखे थे, मटर खाने में बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने इन दोनों चीज़ों को ही गला दिया था। आप उससे भी बना सकते हैं इसको। और छोला छोला मैं बार बार बोल देती हूँ क्योंकि छोला कुलचा होता है इसलिए। और ये आटा देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब इसकी हम बराबर की लोइयां बना के और इसको चकले में बेलेंगे। ये देखिए इसमें परथन लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा चिपकेगा आटा बेलने में। और अभी आयान की मैडम पढ़ा रही हैं तो मैं सोच रही हूँ वो पढ़ा के जाने ना पाए, उनको मैं खिलाऊँ क्योंकि खुशबू जा रही होगी। तो एक अच्छी सी डिश बना के खिलाओ किसी को तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो अगर वो जाने लगेंगी तो मैं उनको रोक लूँगी थोड़ा सा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से बना लूँ। और उसके बाद इसको बेलने के बाद मैंने ऊपर से इसमें थोड़ा सा तिल लगा दिया है, ऊपर से हरा धनिया लगा के थोड़ा सा बेल दिया है, और दूसरी साइड से मैंने इसमें लगा दिया है पानी। और आप चाहें तो इसमें सफ़ेद तिल की जगह काले तिल भी लगा सकते हैं, वो भी कुलचे में देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पास सफ़ेद तिल थे तो मैंने सफ़ेद तिल लगा के और तवे में डाल दिया। और तवे में कुलचा डालने के बाद मैंने हल्का सा इस तवे में अभी पानी के छींट मारे थे ऐसे किनारे किनारे से कुलचे के, थोड़े से बिल्कुल वो एडिट में मुझसे शायद रह गया है। और आप भी जब कुलचा डालें तो हल्का सा छींट मार के फिर इसको ढक दें। ढकने से इसके अंदर जो भाप बनती है ना उससे कुलचा बहुत अच्छे से सिकता है। देखिए सेम ऐसे ही बनाएंगे ना बहुत अच्छे से कुलचा सिकेगा और एकदम अंदर से ऐसा निकलेगा ना जैसे ब्रेड बनाई हो, ब्रेड की तरह एकदम फूल जाएगा। तो बस ऐसे ही मैं दूसरा बना लेती हूँ और मैडम का टाइम हो गया है जाने का, तो मैंने कहा रुक जाओ क्योंकि अभी क्या है इन कुलचों को जो मैं सेक के रख रही हूँ इनको एक बार हम बटर में और इनको अच्छे से तवे में सेक लेंगे बटर लगा के, तो इनमें एक और अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो बस मैंने अभी दो ही सेके थे, तब तक मैंने दूसरी तरफ दूसरा तवा चढ़ा दिया है और इसमें डाल दिया है बटर। ये घर का बना हुआ मक्खन है क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ अक्सर, तो बस वही रखा हुआ था उसको तवे में डालने के बाद थोड़ी सी धनिया डाल दी है। और धनिया पत्ती डालने के बाद इन कुलचों को हम इसी में डाल के रख के दोनों तरफ अच्छे से थोड़ा सा सेक लेंगे तो ये गरम गरम खाने में और मजे आएंगे। फिर मैं मैडम की प्लेट लगा देती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने सारे कुलचों को जो मैं बनाती जा रही हूँ उनको मक्खन में ऐसे सेकती जा रही हूँ एक बार बटर में। और ये भी आ गए हैं क्योंकि इनका लंच का टाइम है, मैंने बोला था आज छोले कुलचे बनाएंगे तो लंच में ही आके खाएं क्योंकि लेट हो जाता सुबह बनाने में। तो ये बन गया है हमारा छोला, ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, मतलब कितना देखने में कितना सुंदर लग रहा है, जैसे हमें मिलता है मार्केट में बिल्कुल वैसे ही। थोड़ा सा मैंने सैलेड काट लिया है, खीरा ये मूली और गाजर वगैरह, और ये हमारा कुलचा है। साथ में मैंने एक नींबू रख दिया है और आप अचार वगैरह जो जो इसमें रखना चाहे वो रख सकते हैं, अपने मन पसंद वाली चीजें। और साथ में मैंने इनकी भी प्लेट लगा दी है, ये देखिए मैडम। But you made it perfectly. It's
रमा इज लाइक अरे मैडम ये बताओ अच्छा है या नहीं है after hearing so much. नहीं नहीं मैडम सही बता रही है, एकदम सही रिव्यू दे रही है. नो नो आई didn't had this type of hostel food है ना. Yeah yeah. So have you ever heard chola kulcha? You haven't heard ना, मतलब कॉमन डिशेज है ना ये, तो हर जगह ही चलती है ना, अगर उसमें मिलती है स्वीट इंडिया इधर मिल जाता है लड्डू काजू इंडिया. नमक मिला दिया, नमक दे क्या हो, कम है नमक दे क्या हो, नमक दे क्या हो, मैडम को नमक दे क्या हो, कैसा लग रहा है, नमक अच्छा है, अच्छे से डाला है. और बस अब मेरा और नंदनी का रह गया था, तो बस मैं वही कुल्फी लास्ट वाले सेक रही थी. तो यहाँ पर मैंने सेक के सारे खट्टे तवे में ऐसे बटर में लगा के रख दिए हैं. तो मैंने अपने लिए मैंने अपने और नंदनी के लिए डेढ़ डेढ़ बनाए थे, मतलब एक और हाफ हाफ, और साथ में मैंने चावल रख दिया क्योंकि ज़्यादा कुल्चे भी नहीं खाने चाहिए. तो आप लोग भी आ जाइए, अब हम लोग खाएँगे गर्मा गर्म वाले. हेलो गुड इवनिंग, और अभी बज गया है शाम का 6 और 6 बजे जाके मेरी एडिटिंग कंप्लीट हुई है. अब मैं जाके वीडियो को अपलोड में लगाऊंगी. वीडियो लेट हो गया है क्योंकि आज ही मैंने बनाया था और आज ही एडिट किया है, तो वो जाके शाम हो गई. एडिट करते करते मैं दोपहर से लगी हूँ और शाम हो गई है. तो आप लोगों को छोले कुलचे कैसे लगे, क्योंकि मैंने पहली बार बनाया था छोला कुलचा, इससे पहले नहीं बनाया था. तो आप लोग बताइए कैसे बने हैं, और आप लोग भी बना के खाइएगा. और मैजिक पिन ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से जाके आप डाउनलोड जरूर करिएगा और डिस्काउंट का फायदा उठाइएगा. और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर.